Assalamu alaikum, dear students. My name is Asim Jha, lecturer of chemistry at Edwards College, Peshawar. अच्छा जिससे आप सबको पता है कि पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से हमने ऑनलाइन लेक्चर जो है उसको रिकॉर्ड करा देना है, ठीक है, लेक्चर्स को. तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, वो है चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है, फर्स्ट ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर 1, जो टेक्स्ट बुक का जो हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, उसके मुताबिक स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में है, ठीक है. सबसे पहले हमने थोड़ा सा ये भी करना है, ठीक है, कि मैटर क्या होता है. होप सो कि आप सबको जो है ये मालूम है कि व्हाट इज मैटर. मैटर इज दैट थिंग जिसका मास है एंड इट ऑक्युपाई अ स्पेस, ठीक है, दैट इज नोन एज मैटर. द पॉइंट इज दैट कि मैटर को हम ब्रॉडली जो क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, मैटर को उसके हम दो बेसिस को पिक करते हैं, लाइक कौन-कौन से बेसिस को पिक करते हैं. एक उसका कहलाता है काइंड. काइंड बेसिकली हम कहते हैं नेचर को. किस चीज को कहते हैं? नेचर को कहते हैं. नेचर ऑफ द मैटर इज नोन एज ए काइंड. व्हाट काइंड ऑफ मैटर दैट इज. और सेकंड वन उसको हम भी कहते हैं स्टेट्स के फॉर्म में, कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स है, ठीक है. सो लुक हियर, ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ मैटर, मैटर को हम फर्दर दो में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइंड. एक कहलाता है, ठीक है, वन kind or nature of matter is known as pure matter, pure कहलाता है. और second रखी है, that is known as impure, pure and impure matter. इसको आप कहते हैं kind of matter. अच्छा pure matter जो है, ठीक है, it has the example of the pure matter that is substance. इसको substance की जो है उसको pick करते हैं pure matter. क्या होता है? सब्सटेंस होता है. जबकि इम्प्योर मैटर जो कि इसके नेचर या काइंड का पार्ट है, ये कहलाता है मिक्सचर. यू ऑल नो अबाउट द मिक्सचर. कि मिक्सचर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर कंपोनेंट जो फिजिकली है, कोई केमिकल चाहे उसकी कॉम्बिनेशन नहीं होती, तो दैट मिक्सचर, दैट मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट फिजिकली, जिसकी कोई फिक्स एसिड की रेशियो भी नहीं है, एनी रेशियो से हम उसको मिक्स कर सकते हैं, तो रिजल्ट है जो फॉर्म है उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है. प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या कहलाता है? सब्सटेंस कहलाता है. सो लुक हियर डियर स्टूडेंट्स, सब्सटेंस का जो एग्जांपल है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लेते हैं एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है. और इसका जो नेक्स्ट फॉर्म होता है, थोड़ा सा नेक्स्ट फॉर्म होता है, वो क्या होते हैं? वो कंपाउंड कहलाता है. तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर या हम एलिमेंट के फॉर्म में भी कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं. ओके, जहां पे मिक्सचर की बात आती है, ठीक है, तो मिक्सचर हमारे पास क्या होते हैं? मैंने इससे पहले भी आपको क्लेरिफाई करा दिया है कि मिक्सचर दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर देन टू कंपोनेंट जो फिजिकली कंबाइन होते हैं, उसमें कोई केमिकल बॉन्ड जो है वो नहीं होता, उसको आप क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं. लेट फॉर एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल इसमें से निकल लेते हैं. लेट फॉर एग्जाम्पल द सॉल्यूशन ऑफ द, लुक हियर, जितनी भी सॉल्यूशंस है, लाइक सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, ठीक है. हम क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऐसा मिक्सचर, सेम एग्जाम्पल आप मिक्सचर, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहता है. एक दूसरा एग्जाम्पल आप पिक करते हैं मिक्सचर का, लेट सपोज एलॉय, it is a mixture, alloy is a mixture, ठीक है. let for example, एक और example आप mixture से pick करते हैं. let for example आप pick करते हैं कि that is chalk in water, that is also known as what, this is also known as the mixture. हम भी उसको mixture कह सकते हैं, ठीक है. mixture पर homogeneous और heterogeneous type है, उसको भी कैसे यहाँ पे move नहीं कर रहे हैं. okay, next देखिए, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर वन गैस से रिलेटेड है, तो हम थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन को पिक करते हैं, ठीक है. सो अगर आपको अच्छा नेक्स्ट में है स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम गैस को और डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टेट्स पिक करते हैं. सो लुक हियर, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो बेसिक फोर है मैं उसी को पिक कर रहा हूं. सेकंड इज द लिक्विड state of matter, next one
गैस हीट ऑफ मेटल, क्योंकि उसकी इंट्रोडक्शन ही हमने पिक कर लिया इसी बात। और नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा। ये फोर ब्रॉड जो कहलाती है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, आप उसको यहाँ पे थोड़ा सा जो है पिक करते हैं, एक आइडिया उसके पिक करते हैं, ठीक है, रिलेटेड पॉइंट्स को जो पिक करते हैं। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, वो स्टेट ऑफ मैटर कहलाता ही है जिसको हम कॉल करते हैं दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर अमंग ऑल। कौन सा है? द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, this is known as less common, less common state of matter jo hai kya hai, liquid hai. Next, gas state of matter this is known as the most simplest state of matter. Agar aap log ko is space mein bhi MCQs aate hain, theek hai, ki let for example which one is the most common state of matter, तो आपको ये पता होगा कि most common state of matter जो है ये solid है, less common जो है liquid state of matter है, सबसे simplest state of matter जो है gas state कहलाता है, plasma कहलाता है fourth state of matter, ठीक है, fourth state of matter, so ionized form भी कहते हैं, fourth state of matter is known as plasma. क्या होता है प्लाज्मा, थोड़ा सा उसको पिक करते हैं। प्लाज्मा हम कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा मिक्सचर है, कंपोनेंट्स है जिसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स भी है, पॉजिटिव आइंस भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा की जो फॉर्मेशन होती है उसमें गैस क्या होता है, ये आयनाइज हो जाता है, तो जब भी आयनाइज होगा तो पॉजिटिव आइंस बनेंगे, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, तो डेट कंबाइन फॉर्म जो है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। सो लुक हियर, दिस इज अ समवट ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ काइंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। सो ओके, और नेक्स्ट जो है हम इसमें पिक करते हैं कि गैस की जो इंट्रोडक्शन है उसको हम किस तरह पिक करते हैं, इन स्टेट्स ऑफ मैटर में विकास चैप्टर 4 जो है स्टडी लिमिट द स्टेट्स ऑफ मैटर 1 एंड दैट इज द गैस स्टेट ऑफ मैटर। सो लुक हियर, द नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू द गैस स्टेट ऑफ मैटर इंट्रोडक्शन। Okay, look here, dear students. So, introduction of the gas state of matter. हम उसको तीन बेस बना के उसकी introduction को पे करते हैं, ठीक है? Gas state of matter की. Number first, a gas state of matter जो है, gas state of matter. इसको हम दो उसके basic parameter की वजह से जो है उसको पहचान कराते हैं उसकी दूसरी states of matter से, like liquid से, like इसकी पहचान कराते हैं हम solid से उसकी differentiation कराते हैं, ठीक है? और एस कंपेयर टू डेटा ऑफ क्लास है जो है गैस स्टेट ऑफ मैटर, इसके दो बेसिक पैरामीटर्स की वजह से जो है हम उसको पिक करते हैं। लाइक कौन सा? इसमें एक कहलाता है इनडिफिनिट शेप। क्या कहलाता है? इनडिफिनिट शेप कहलाता है। और सेकंड वन इसमें होता है इनडिफिनिट वॉल। पॉइंट ये है कि हम गैस स्टेट ऑफ मैटर का ना तो शेप डिफाइन कर सकते हैं, नाइदर टू बी डेफिनेट और नाइदर द वॉल्यूम इज टू बी डेफिनेट। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शेप ऑफ द गैस स्टेट ऑफ मैटर इज नॉट टू बी डिफाइन फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर कंटेनर। जब भी हम उसको शिफ्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा? ये शेप अपना चेंज करेगा, उसी कंटेनर का शेप है वो क्या करेगा? एक्वायर करेगा। So the point is there, remember the point कि shape का indefinite होना कौन सी ऐसी property है, कौन सा ऐसा parameter है जो shape को indefinite बनाता है, मतलब हम उसको define नहीं कर पा सकते। That is that parameter which is responsible for indefinite shape of the gas state of matter, that is translation motion. I repeat कि कौन सी ऐसी पैरामीटर है या प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, जो शेप को इनडिफिनिट बनाता है, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन कहलाता है।
ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन हम कहते हैं गैस पार्टिकल्स की है, मॉलिक्यूल्स की है, जो ट्रांसलेशन मोशंस होती है उनको कहा जाता है रैंडम मोशंस। क्या कहा जाता है? रैंडम मोशंस कहा जाता है उसको। रैंडम मोशन क्या है? इट्स द टाइप ऑफ द मोशन जिसमें गैस मॉलिक्यूल जिस कंटेनर में है वो मूव करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन, किसी एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वो अपना डायरेक्शन तब चेंज करेंगे जब वो कोलाइड करेंगे विद वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, या फिर वो क्या करेंगे, वो तब अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे जब उसके अपने पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन होगी। लेट फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा यहां पे क्लियर करा देता हूं। लेट फॉर एग्जांपल हम यहां पे कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और इस कंटेनर में यहां पे हम लेते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, लुक हियर गैस मॉलिक्यूल्स, ये गैस मॉलिक्यूल जो है मूव करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, मूव करते हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे सपोज यहां मूव करेगा, इस डायरेक्शन मूव करेगा, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन मूव करेगा, तो ये इस कंटेनर में फ्रीली मूव करते हैं बिकॉज़ इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो नेग्लिजिबल होती है, देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस आर देयर। गैस पार्टिकल में लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती है गैस पार्टिकल्स के अंदर, और भाई ये क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि गैस मॉलिक्यूल्स में नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। सो ड्यू टू नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस ड्यू टू द लार्ज एम्प्टी स्पेसेस द गैस पार्टिकल मूव फ्रीली, या फिर फ्री मूव करते हैं। दीस मोशंस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आर नोन एज रैंडम मोशंस, ठीक है। तो इसका शेप कभी भी डिफाइन हो सकता है बिकॉज ये किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम एक्वायर कर सकता है। सेकंड पैरामीटर की तरफ मूव करते हैं, ये है इनडेफिनेट वॉल्यूम। व्हाई द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नॉट टू बी डिफाइंड, हम क्यों नहीं कर सकते? द पॉइंट इज दैट द इनडेफिनेट वॉल्यूम दिस इज ऑल ड्यू टू नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल होने की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से फार अपार्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंसेस पे है, पार्टिकल एक दूसरे से फार अपार्ट है। लुक हियर सारे यहां थोड़ा सा फोकस करें, इस कंटेनर में यहां पे पार्टिकल्स क्या है, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस है वो ज्यादा है। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है? इसमें वीक है। जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होगी तो उसका वॉल्यूम इसके डिफाइन नहीं हो सकता कि जब आप इसको इस कंटेनर से किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करेंगे तो ये तो उसी का वॉल्यूम एक्वायर करेंगे, तो हम इसका वॉल्यूम डिफाइन नहीं कर सकते। लेट फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि ये 5 डीएम क्यूब का लेट्स सपोज एक कंटेनर है, और इधर से गैस को हम शिफ्ट कराते हैं 10 डीएम क्यूब के कंटेनर में, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जस्ट 5 डीएम क्यूब का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा और बाकी सारा जो है स्पेस होगा, नहीं। गैसेस मॉलिक्यूल जिस भी कंटेनर में मूव करेंगे वो सारे होल कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो एक्वायर कर लेंगे। सो दैट इज आर ड्यू टू द नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। सो ये एक गैस की जो इंट्रोडक्शन है या जो डिफरेंशिएशन है फ्रॉम द अदर स्टेट्स ऑफ मैटर वो उसके शेप और वॉल्यूम के बेस पे, ठीक हो गया। ओके, सेकंड वन हम पिक करते हैं यहाँ पे, सेकंड पैरामीटर जिसकी वजह से आप गैस को लिक्विड और सॉलिड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। व्हाट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड को इस तरह है कि गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है लिक्विड से, ठीक है, एंड लिक्विड की ज्यादा होती है सॉलिड से। और ऐसा क्यों होता है कि गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है इन दीस थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर? वो इसलिए है इन दीस थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये फ्रीली मूव करते हैं, नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो उसकी जो मोबिलिटी है, उसकी जो मोशंस है वो क्विक होते हैं एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड और पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। तीसरा जो पैरामीटर है जिसकी वजह से हम गैसेस को या गैस स्टेट ऑफ मैटर को लिक्विड और सॉलिड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो क्या है? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो उसका ट्रेंड ये है, उसका ऑर्डर ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कि गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है एज कंपेयर टू द लिक्विड पार्टिकल्स,
और लीक्विड पार्टिकल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सो गैसेस जो है ये हम डिफरेंशिएट करते हैं लीक्विड और सॉलिड से आइदर बाय द शेप एंड वॉल्यूम, आइदर बाय द काइनेटिक एनर्जी कंपैरिजन के बेस पे, या आइदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज लेट बैक इंट्रोडक्शन ऑफ द गैस स्टेट ऑफ मैटर। हम इसकी थोड़ी सी आप प्रॉपर्टीज को पिक करते हैं। ठीक है, गैस स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज को पिक करते हैं। लुक हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस स्टेट ऑफ मैटर। एक्सपेंशन, व्हाट इज एक्सपेंशन बेसिकली मेंट? एक्सपेंशन हम कहते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये गैसेस के वॉल्यूम में इंक्रीज आ सकता है, वो एक्सपेंड हो सकता है। कब एक्सपेंड होंगे? दो कंडीशन पे एक्सपेंड होंगे, याद रखना है सामने। कंडीशन क्या है कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है? वो इंक्रीज हो सकता है लोग या तो इंक्रीज हो सकता है तब जब हम प्रेशर को डिक्रीज करें। सारे फोर्स के इस एरो पे आपने इस एरो से पिक करना है इंक्रीज और डिक्रीज को। मैं आपको बता दूं कि प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा गैस। या दूसरा पैरामीटर ये है यहाँ पे कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते अप एरो हियर मेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, कोलेजन्स बढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज होगी, कोलेजन्स बढ़ेंगे, तो यहाँ पे कंटेनर में जो मूवेबल वेसल होगा उसको पुश करेगा अपने कोलेजन्स की वजह से, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। So that increase in volume either by decrease in pressure or increase in temperature, ठीक है? तो इसकी वजह से जो गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हम कहते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम को, इसको कहते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम इज नोन एज द कंप्रेसिबिलिटी। तो वॉल्यूम देखिए कब डिक्रीज हो सकता है या कौन से ऐसे पैरामीटर है जो हम ये पिक कर सकते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। लुक हियर, वॉल्यूम डिक्रीज तब पॉसिबल है जब हम प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करें? इंक्रीज करें। अगेन द एरो अपवेन इंक्रीज इन प्रेशर। या दूसरा क्या होगा? जब हम टेम्परेचर को क्या करें? डिक्रीज करें। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर पार्टिकल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। एक्सटर्नल प्रेशर की इंक्रीज करने से क्या होगा? जब एक्सटर्नल प्रेशर हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो सारे जो गैस पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे? कंप्रेस होते जाएंगे। तो कंप्रेशन हुई कि उसकी जो है वो डिक्रीज इन वॉल्यूम हो सकती है। द पॉइंट इज दैट डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। तो गैस पार्टिकल्स के दरमियान क्या होती है? एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होती है ड्यू टू नेगलिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसकी वजह से इसमें एक्सपेंशन और कंप्रेसिबिलिटी मौजूद होती है, यानी पॉसिबल है कि कंप्रेस हो जाए और एक्सपेंड हो जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रेशर। गैस पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, दैट्स व्हाई दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। प्रेशर एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। तो वॉल ऑफ कंटेनर में क्या कर सकते हैं? प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं, ठीक है। So this is the pressure of the gases. Collisions. Gas particles जो freely move करते हैं, आप इधर भी focus कर सकते हैं, जब ये freely move करते हैं, ये wall of container के साथ भी collide होते हैं, और यहाँ पे one particle itself भी collision होती है। So the collisions of the gas molecule that is perfectly elastic. ये collision कौन सी होती है? Elastic collision होती है among the gas molecules. ठीक है? Okay. मोबिलिटी ऑफ गैसेस कि वो आसानी से या फ्रीली मूव करते हैं, रैंडम मोशन उसमें होती है। तो नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड इफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू इट्स लो कंसेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है, और एड्रॉप्ट मोशन। इफ्यूजन हम कहते हैं कंट्रोल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, देन दैट इज नोन एज इफ्यूजन। फिर उसको हम क्या कहते हैं? इफ्यूजन कहते हैं।
तो गैसेस डिफ्यूज भी होती है और इन्फ्यूज भी होती है। एक है ड्रॉप मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल है और सेकंड वन जो है वो कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द गैस पार्टिकल है। सो गैस इज डिफ्यूज एज वेल एज दे इन्फ्यूज, दोनों प्रॉपर्टी जो है वो गैस करते हैं। ठीक है, व्हाट गैस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड दैट इज लो डेंसिटी। गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। Because density, we find out this by mass per unit, that is volume, mass by volume. अच्छा, gases में negligible attractive forces होने की वजह से इसका जो volume होता है वो liquid और solid के comparison में ज्यादा होता है। तो हम तो density आप पहले इसलिए कह रहे थे, हम तो compare कर रहे हैं उसको liquid और solid से दूसरे states of matter से। तो density low इसलिए होती है because it has a greater volume. The volume it occupy is much more greater. From there is the volume occupied by the liquid particles and the volume occupied by the solid particles. तो इसलिए gases particles की जो density है वो क्या होगी? वो low density. ठीक है? Also आपको इस introduction of the जो gas state of matter है, the chapter 4 जो है, उसमें clarity जो है वो समझ आ चुकी होगी। ठीक है? Okay, Allah Hafiz.